बेमतेरा जिला के नांदघाट थाना क्षेत्र के चौकी मारो में आज क्षेत्र के लोगों के द्वारा मारो चौकी प्रभारी आर के कश्यप को गलत एफआईआर करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मारो चौकी के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टर जो अपनी दबंगई से यहाँ स्वास्थ्य विभाग को चला रहे हैं और कुछ भी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं है, इसी बात को लेकर कुछ पत्रकारों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डॉक्टर प्रतिमा जागड़े पति कमलेश जागड़े के द्वारा भ्रष्टाचार की उजागर करने हेतु समाचार छापने के कारण मन ही मन आक्रोशित होकर मारो चौकी में अत्याचार अधिनियम के तहत 5 लोगों के ऊपर गलत एफआईआर किया, जिसका विरोध के लिए क्षेत्र के लोगों ने चौकी प्रभारी और बेमेतरा एसडीओपी राजू शर्मा को ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस तरह से डॉक्टरों द्वारा किया गया कार्य अनुचित और बड़ा ही निंदनीय क्रियाकलाप है, जिसकी निष्पक्ष जाँच हो। नाम मयंक तिवारी है, मैं नगर पंचायत मारो का ही निवासी हूँ जी। और हमारे गांव में यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ के जो मुख्य है एनआरएम वो पीसी जांगड़े करके, शायद जांगड़े सर करके, प्रतिमा जांगड़े करके है। और जी एक ये हुआ ये है कि वहाँ ये पत्रकार द्वारा जब वो पेपर वेपर में कुछ गड़बड़ी में कुछ छापा गया ना, तो ये लोग क्या किए हैं, 5 जने के खिलाफ एफआईआर कर दिए सर। एफआईआर जब किए हैं लेकिन बिना जांच के एफआईआर हुआ है, और जांच कुछ ऐसा टाइप का एफआईआर हुआ है कि हमारे ऊपर गाली गलौज का कुछ किया गया करके इनके ऊपर एफआईआर छेड़छाड़ का आरोप लगा के, और वहाँ पे मौजूद जितने भी वहाँ बैठे हुए थे सभा में वे बयान वे दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसके बावजूद जानबूझ के इनका ये किया गया है, झूठा। कल भी हम लोग गए थे, एसपी ऑफिस भी गए थे बात करने के लिए, वहाँ हमने समस्या बताया है और यहाँ आए हैं, जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग कि सही निष्पक्ष जांच करें, जो सही है उसे सही ठहराए, जो गलत है उसे गलत ठहराए। दिनांक 10 सितंबर 2020 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मारो में डॉक्टर प्रतिमा जांगड़े से कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी, उस पर से 22 सितंबर को पुलिस चौकी मारो में डॉक्टर प्रतिमा जांगड़े के रिपोर्ट पर से जितेन तिवारी और अन्य 4 लोगों के विरुद्ध एट्रोसिटी का मामला एससी के अंतर्गत मामला कायम किया गया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया, इसकी विवेचना जवाबदारी मुझे मिली है, इसलिए विवेचना में मैं आया हूँ। और उसी समय चौकी में जो भी प्रकरण के निष्पक्ष और सही जांच नहीं किए करके ज्ञापन लेके आए थे, उनसे चर्चा की गई और उनको आश्वस्त किया गया, वापस चले गए और इसकी विवेचना आज प्रारंभ की जा रही है।